स्विफ्ट कार सवार बदमाश बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को इनके मूवमेंट की सूचना मिली, लिहाजा सेक्टर 127 स्थित पुश्ता रोड पर चेकिंग शुरू कर दी गई। बदमाशों को आते देख पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने पीछा कर क्रॉस फायरिंग की, जिसमें ताज मोहम्मद नाम का बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा साथी मौका देख कर फरार हो गया। थाना क्षेत्र एक्सप्रेसवे में बदमाशों की सूचना पर पुलिस पार्टी के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी, तो उस दौरान जो गाड़ी में सवार बदमाश थे उनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें एक एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश ताज मोहम्मद नाम का जो कि घायल हुआ है। पुलिस की माने तो बदमाश पर लूट, हत्या और डकैती जैसे डेढ़ दर्जन मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि वो पिछले 12 साल से फरार चल रहा था। ताज मोहम्मद के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर से करीबन 12 साल से फरार चल रहा था और D13 गैंग का जो पंजीकृत गैंग है उसका ये गैंग लीडर था। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और फिलहाल ये दिल्ली में रह रहा था, जो कि अपना नाम बदल करके इमरान इसने रखा था, जहाँ पे अपनी पहचान छुपाने के लिए, और लगातार कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की सूचना इसकी आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान ये फरार हुआ था और फिलहाल इसकी अरेस्टिंग हुई और आगे कार्रवाई इसमें की जा रही है। वहीं पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुट गई है। मौके से पुलिस ने एक स्विफ्ट कार, देसी तमंचा समेत कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।